आईपी के बिहार बिहार के कार्यकर्ता हैं, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एनडीए सरकार को हम लोग विदाई करेंगे और 2024 में नैया पार कराना है तो कराना है। नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, जसवाल को विरोध करेंगे हम। अच्छा। और विरोध करके अपना सत्ता लाएंगे। चंपारण से आपको पता है अंग्रेजों का सबसे पहले लड़ाई चंपारण से ही शुरुआत हुआ था और यहाँ बीजेपी को भी बिहार मुक्त करने के लिए चंपारण से ही आवाज़ उठाया और चंपारण से ही आगे जाएगा और देखिएगा पूरा बीजेपी मुक्त बिहार हो जाएगा। तो क्या हो गया, किस्मत तो नहीं छीन लिया, 2024 में लोकसभा चुनाव में देखिएगा इसका फायदा। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ होगा? बिल्कुल होगा, अगर जनता का साथ रहेगा तो सब कुछ संभव है। बिहार बिहार के कार्यकर्ता हैं, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एनडीए सरकार को हम लोग विदाई करेंगे और 2024 में नैया पार कराना है तो कराना है। नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, जसवाल को विरोध करेंगे हम। अच्छा। और विरोध करके अपना सत्ता लाएंगे। चंपारण से आपको पता है अंग्रेजों का सबसे पहले लड़ाई चंपारण से ही शुरुआत हुआ था और यहाँ बीजेपी को भी बिहार मुक्त करने के लिए चंपारण से आवाज उठाया और चंपारण से ही आगे जाएगा और देखिएगा पूरा बीजेपी मुक्त बिहार हो जाएगा। तो क्या हो गया, किस्मत तो नहीं छीन लिया, 2024 में लोकसभा चुनाव में देखिएगा इसका फायदा। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ होगा? बिल्कुल होगा, अगर जनता का साथ रहेगा तो सब कुछ संभव है। मेरा नाम गणेश चौधरी। कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से आया हूं। किस लिए आए? आए हैं मुकेश सहनी से मिलने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। क्यों सपोर्ट करें? क्यों सपोर्ट करेंगे कि क्योंकि गरीब समस्या है। कैसे? कैसे नहीं, देखिए अपने जात पात के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने जाति के हैं इसलिए अब आगे उनको उठाना है। नेता उठाना है, नेता मान लिए, मान लिए है और क्या, वहाँ जहाँ बोलिएगा वहाँ हम जाएंगे। और में तो चुनाव लड़े लेकिन चुनाव जीते नहीं, लेकिन फिर भी जो अन्य जाति और अपना जाति को मिलाकर कम से कम लगभग 30,000 वोट लिए थे ना, उतना मामूली थोड़े ना है। कह रहे हैं कि जीतने का नहीं तो हरवाने का क्षमता तो रखो। क्षमता तो है नहीं, खाने देंगे ना खाने देंगे। अच्छा। ना खाएंगे ना खाने देंगे। बीजेपी तो लेकिन मंत्रियों पद छीन लिया, विधायक को लेके चला गया। लेके चला गया तो हमारा किस्मत थोड़ा ना लेके चला गया, किस्मत तो हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है, फिर लड़के और अपना मंत्री पद लड़ेंगे। 24 में क्या कीजिएगा लोग? क्या कीजिएगा, अपना सरकार बनाएंगे, अपना सरकार अपना बनाएंगे 24 में। मुकेश सहनी को देंगे? नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, जसवाल को विरोध करेंगे हम। अच्छा। और विरोध करके अपना सत्ता लाएंगे। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद आलम हुआ, मैं श्यामपुर कुतरा पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ। हम आए हैं मुकेश सहनी को हाथों को मजबूत करने के लिए। भैया को पार लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे। तो आप क्यों, मतलब कि क्या बात है, उन्हें क्या देखे हैं कि लग रहा है कि ये गरीबों का मसीहा है और इनके अंदर इंसानियत है, सब किसी को समान लेकर चलने का इंसानियत और विचारधारा भी है, लेकिन ये बीजेपी सरकार में नहीं है। ये उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है जो सबसे उद्योगपति है और बाकी सबको पीछे ढकलते जा रही है। किसान के हित में कोई काम नहीं कर रही है। पेट्रोल डीजल का महंगाई देखिए, मूलभूत आवश्यकता किसानों का खाद का है, तेल का है, यही हम लोग को चाहिए किसानों का। कुछ दिन पहले तक तो बीजेपी के साथ ही न थे। बीजेपी का साथ है लेकिन ये बोल रहे थे किसानों को भला किया जाए, गरीबों को कल्याण किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही थी, जिसके कारण ये अलग हो गए। उसके लिए अलग हो गए कि विधायक हुआ छीन लिया, इसलिए अलग? नहीं, विधायक छीन लिया तो पैसा का लालच देकर छीन लिया, मंत्री का बोला कि आपको मंत्री बना देंगे, इसीलिए विधायक छीन लिया मंत्री पद भी छीन लिया। क्या हो गया, किस्मत तो नहीं छीन लिया, 2024 में लोकसभा चुनाव में देखिएगा इसका फायदा। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ होगा? बिल्कुल होगा, अगर जनता का साथ रहेगा तो सब कुछ संभव है। आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, नेता मान लिए मुकेश सहनी को। चाचा भी हम लोग।